नमस्कार दोस्तों आपका हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है आज की इस वीडियो में हम आपके लिए बहुत बड़ी अपडेट लेके हैं जैसा कि दोस्तों आप जानते हो सभी स्टूडेंट ने अपनी अपनी रैंक देख ली है इसके अलावा दोस्तों आपके नंबर आपको ऑलरेडी मालूम थे ही अब दोस्तों सबसे बड़ी बात यह है कि आपको नेक्स्ट स्टेप कौन सा उठाना है तो दोस्तों मैं ये वीडियो बताने से पहले सबसे पहले आपसे रिक्वेस्ट करूंगा अगर अभी तक आप हमारे चैनल पर नहीं बने हो तो इस चैनल से जुड़ जाइए साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए क्योंकि जब तक आई के जितने भी कॉलेज उसकी लास्ट सीट नहीं बढ़ जाएगी हम आपको हर तरीके की जो लेटेस्ट न्यूज आएगी वो प्रोवाइड कराते रहेंगे दोस्तों सबसे पहले हमने आपको बताया था कि ओरिजिनल जो आंसर की आई है उसमें जो करेक्शन है वो आपको दोबारा आंसर की अपलोड होगी उसके बहत्तर घंटे के बाद आपका रिजल्ट आ गया फिर आपको बताया दो से तीन या चार दिन के अंदर आपकी रैंक घोषित कर दी जाएगी अब दोस्तों आपको सबसे पहले क्या करना है ओरिजिनल साइट पर जाकर रजिस्ट्रेशन कराना है दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं जिसके 100 से ऊपर नंबर है सभी स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन कराएं क्योंकि देखो किसी को भी कॉलेज मिल सकता है क्योंकि अभी नीट की काउंसलिंग चल रही है स्टेट ऑफ की काउंसलिंग चल रही कुछ है, है कुछ सीटें इधर उधर होंगी या कुछ बच्चे इधर उधर जाएंगे तो आपकी मतलब काउंसलिंग तो देखो सबको करानी चाहिए इसके अलावा मैं आपको एक दूसरी बात बताता हूँ दोस्तों सबसे पहले इसमें रजिस्ट्रेशन तो देखो आप कोई भी करा देगा वो कोई बड़ी बात नहीं है आपको जो चॉइस फिलिंग है वो बहुत ही ध्यान से करनी है अगर आपने चॉइस फिलिंग में कोई भी तरीके की मिस्टेक या लापरवाही कर दी तो दोस्तों आपको कम नंबर होने के बावजूद भी अगर आपने अच्छे से चॉइस फिलिंग की तो आपको अच्छा कॉलेज भी मिल सकता है लेकिन आपकी रैंक शानदार और नंबर भी शानदार और आपने अगर चॉइस फिलिंग सही तरीके से नहीं की तो हो सकता है आपको अच्छा कॉलेज ना मिले तो चॉइस फिलिंग सबसे इंपॉर्टेंट है इसके अलावा मैं आपको बताता हूँ दोस्तों चॉइस फिलिंग करने के बाद आपको दोस्तों जैसे ही आपकी सीट अलॉट हो जाएगी जैसे सीट आपकी अलॉट हो जाएगी दोस्तों तो आपको अपने सारे डॉक्यूमेंट्स ओरिजिनल साइट पर जाकर सबमिट करने होंगे जैसे दोस्तों आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स वहाँ पर पहुँच जाएंगे वो चेक करेंगे अगर आपको उनको कोई डॉक्यूमेंट्स कम लगता तो फिर आपको दोबारा बोलेंगे कि ये आपके डॉक्यूमेंट्स में कमी आप दोबारा सबमिट करें इसके बाद दोस्तों जैसे ही आप डॉक्यूमेंट सबमिट कर देंगे आपके लिए आपको फ़ीस जमा करानी पड़ेगी और अपने ओरिजिनल सारे डॉक्यूमेंट्स लेके आपको कॉलेज या यूनिवर्सिटी जो वो डिसाइड करेंगे वहाँ वेरीफिकेशन कराने के लिए लेके जाना है तो दोस्तों फर्स्ट काउंसलिंग में यही अपडेट अपलोड या जो अपडेटिंग है वो चलती रहेगी इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट यही है कि आपको चॉइस फिल्म बहुत ही ध्यान से करना कई बार लोग आलश कर जाते हैं या फिर लास्ट ईयर का कहीं ऐसे केस आए कि सर हमारे उससे कि हमारे से कम नंबर थे फिर भी उसे अच्छा कॉलेज मिला सब खो सब खेला ही काउंसलिंग का रजिस्ट्रेशन का चॉइस फिलिंग का देखो अभी आपके पास टाइम है एक लिस्ट बना लो भाई इसके अलावा नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके लिए जितने भी कॉलेज हैं उनकी एक लिस्ट अपलोड कर दूंगा इसके साथ ही ये बता दूंगा किस कॉलेज में कौन सी ए, सीट कितनी कैटेगरी की कौन कौन सी सीट खाली है या कितनी सीटों पर एडमिशन होगा ये मेरी रेस्पॉन्सिबिलिटी है नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके लिए लेके आऊँगा इसके अलावा आप भी थोड़ी मेहनत करो देखो दूसरे के ऊपर कभी ज़्यादा डिपेंडेंट भी नहीं रहना चाहिए पहला काम अपन को ख़ुद को करना चाहिए और इसके अलावा दोस्तों आपके जितने भी नंबर आए हैं रैंक आई है कैटेगरी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दें ये अगर आप कमेंट नहीं कर सकते तो दोस्तों मैंने व्हाट्सएप नंबर दे रखा है ग्रुप बना रखा है आईशीआर के बच्चों का व्हाट्सएप पर उसमें मैं आपको जोड़ दूंगा इसके साथ ही दोस्तों मैं आपको जो अपडेट होगी वो ग्रुप में एक साथ सेंड कर देंगे क्योंकि छोटी छोटी बातों पर वीडियो बनाना मुझे असंभव लग रहा है इसलिए कई इफॉर्मेशन ऐसी होती हैं कि सर ये प्रॉब्लम है हमारा ये डॉक्यूमेंट्स पूरा नहीं है ये कमी है ये कमी है तो अब व्हाट्सएप पर मैं आपको मैक्सिमम जितना हो सकता है सभी स्टूडेंटों को कोशिश करता हूँ रिप्लाई कर दूँ लेकिन कई स्टूडेंटों को नहीं कर पाता तो दोस्तों मैं उसके लिए माफी चाहता हूँ लेकिन अब मेरी एक दो महीने तीन चार पाँच दिन जित जब भी काउंसलिंग का दौर चलेगा मैं पूरा समय व्हाट्सएप पे निकालूंगा इसके अलावा दोस्तों अगर अभी तक आप हमारे चैनल पर नहीं बने हैं तो बन जाइए क्योंकि आपको कई ऐसी अपडेट हैं जो दोस्तों नहीं पता चलेगी क्योंकि बाहरी की चीज़ों पे कोई वीडियो नहीं बनाता इसके अलावा कई चीज़ों का नहीं पता चलेगा तो दोस्तों बने रहिएगा क्योंकि हम आपके लिए वो सुविधा उपलब्ध कराएंगे जो आपने कभी सोचा भी नहीं होगा इसके अलावा दोस्तों फिर मैं आपसे कह रहा हूँ किसी भी तरीके की लापरवाही नहीं बरतनी है आपको चॉइस फिलिंग में चॉइस फिलिंग जितनी अच्छी आपकी होगी उतनी ही अच्छा आपको कॉलेज मिलेगा और इसके अलावा दोस्तों कट ऑफ पर हमारी टीम काम कर रही है मैं कोशिश करूंगा दोस्तों रात को आठ से नौ के समथिंग लाइव आने की जो जो आपके डाउट हैं वो आप अपने लिख लीजिए और मैं आपको जो भी इसमें जो कंडीशन बनेगी कि और दोस्तों जिन स्टूडेंटों के कम नंबर हैं उनको घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है क्योंकि देखो फिर अभी छः महीने का आपके पास गोल्डन टाइम है आप दोबारा से तैयारी चालू कर दो क्योंकि फिर देखो आपका कोरोना अब आप धीरे धीरे ख़त्म होने पर आपका एग्ज़ाम होगा मई में ये एग्ज़ाम इसका हो जाएगा इसके समथिंग ये आपका नीट के एग्ज़ाम के आ, आसपास इसका एग्जाम हो जाता तो अपन दोबारा तैयारी चालू कर देंगे अगर आपको देखो खुद को स्टूडेंट को आइडिया लग जाता है कि मेरे इतने कम नंबर है मुझे मिलेगा नहीं मिलेगा क्योंकि आजकल स्टूडेंट इतना खुद अपडेट है उसको ऑटोमेटिक आइडिया उसके पेरेंट्स को तो आप समय बर्बाद ना करें इसके अलावा दोस्तों अगर आप एम किसी अदर कंट्री से करना चाहते हैं मैं खुद कजाकिस्तान से एम कर रहा हूँ सेकंड ईयर का स्टूडेंट हूँ अगर आप एम बी बी और नीट में क्वालिफाइड हो बाहर से एम करना चाहते हो तो दोस्तों मैंने अपना नंबर दे रखा है इस नंबर पर आप कॉल करके या व्हाट्सएप पर मैसेज करके इस रिगार्डिंग मेरे से बात कर सकते हैं मैं आपको वहाँ भी अच्छी सुविधा उपलब्ध कराऊंगा साथ ही आपके एडमिशन में जो मेरे से सहय होगा सहयोग होगा मैं आपके करने की पूरी कोशिश करूँगा तो दोस्तों आज मिलते हैं शाम को लाइव वीडियो में अपन आप तैयार रहिएगा आठ से नौ के बीच में कोशिश रहेगी हमारी कि सभी स्टूडेंटों से बात कर सकें इसके अलावा जो जो आपके डाउट हैं उसको अपन कंप्लीट कर सकें और आपके डाउट दूर कर सकें तो दोस्तों अब मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट नेक्स्ट एनर्जी के साथ आज के लिए इतना ही जय हिंद जय भारत